ढलान नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग चल ही रहे हैं मल रोड। थोड़ा टाइम में हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं और उस मंदिर को यहाँ पे बोलते हैं बूढ़ जागेश्वर। जागेश्वर दो है यहाँ पे, जागेश्वर धाम, एक बूढ़ जागेश्वर और एक जागेश्वर। जागेश्वर जो है वो नीचे है और बूढ़ जागेश्वर जो है बहुत ऊपर है। तो अभी हम वहीं बूढ़ जागेश्वर जा रहे हैं और बस अभी चल ही रहे कच्चे रोड में। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। वृद्ध जागेश्वर धाम पहुंच ही गए हम लोग। हिटो ना जल्दी हिटो। इतनी चढ़ाई के बाद मंदिर हम आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं अपने मंजिल तक। अभी अभी और आगे जाएंगे, वैसे हमारी मंजिल कहीं और ही है। पहली मंजिल, फर्स्ट मंजिल हम पहुंच चुके हैं। यहाँ यहाँ भाई अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर रखा है भाई मामला। अब चलो ठीक है सब। अब यही है, बट अभी फ्रंट से दिखाते हैं हम आपको। ये है वृद्ध जागेश्वर धाम। जब हमारी कथा होगी तब हम अंदर जाएंगे, अभी तो हम सिर्फ घूमने आए हैं। कंटिन्यू चलते हैं। हाँ नहीं नहीं पहुंचना है भाई, फिक्स टाइम पे पहुंचेंगे हम अपने। बस यहाँ से हम चलते हुए अब अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। या बहुत ऊंचाई है भाई, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं अब तुम यार। अरे वाह, पर्वत दिख गया भाई, हिमालय दिख गया ये यहाँ से। हाँ बट वैसे रुको, मैं क्लोज में दिखा देते हैं। ये देखो ये हिमालय। अब हम और ऊपर जा रहे हैं, क्या पता वहां से और क्लियर दिख जाए हिमालय हमें। अब हम लोग रोड टू रोड अगले नेक्स्ट टारगेट की ओर। भैया कुछ कहना चाहेगा? हाँ वॉक ही वॉक है, रोड टू रोड चलना है अभी हम लोगों को नेक्स्ट टारगेट तक। देखिए हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं अपने सेकंड टारगेट की ओर और अभी दिखाती हूँ आपको कि हमारा सेकंड टारगेट है क्या। बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हिमालय दिख रहा है? ओ भाई साहब हिमालय दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा शायद हिमालय है ना। ये है हिमालय, यहाँ से अभी और दिखेगा, अभी क्लियर शायद। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, अभी हम अभी जाने वाले हैं उधर जो ब्लू एंड व्हाइट दिख रहा है आपको एंड जो ऑरेंज एंड व्हाइट दिख रहा है आपको। हम लोग बस वहां पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। इस रास्ते अभी हम चलते चलते रोड टू रोड वहां पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। मट्टी से तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। देखो ऊपर जो दिख रहा है रेड एंड व्हाइट में, ऑरेंज एंड व्हाइट, सरस्वती मंदिर है यहाँ पे ये, और बिल्कुल टॉप पे है। और एक चीज और है जो आपको मैं दिखाना चाहूंगी। हाँ अरे वाह, फूल भी लगे हैं रेड वाले। इन फूलों को खा भी सकते हैं, ऐसे मीठे होते हैं खाने में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल। ये है सोक्यातल स्कूल और यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे मेरे पापा ने पढ़ा है। ये इतना पुराना स्कूल है कि यहाँ पे मेरे पापा ने भी पढ़ा है, चाचाओं ने भी पढ़ा है।
और इसी के ही इस साइड है मंदिर, सरस्वती देवी का मंदिर है ये, देखिए। और ये है स्कूल, ये जो हमारे साथ बच्चे हैं ये भी इसी स्कूल में जाते हैं सबके साथ। और ये इतना दूर चल के आते हैं रोज एवरी मॉर्निंग, और जाते वक्त भी इतना ही चलना होता है इन लोगों को, तो इन लोगों का स्टैमिना तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोज ही इनको अप डाउन करना पड़ता है यहाँ पे। स्कूल बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, देख सकते हो आप पीछे पूरे पहाड़ी पहाड़ का टॉप है यहाँ पे। और उस साइड माले वगैरह क्या होता दिख रहे हैं इस साइड का, उस साइड पूरा घना जंगल है, उधर तो कहते हैं कि बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो हमारे वाले घर से किसी को जाना अलाउ नहीं है अगर। हाँ बहुत ज़्यादा पुराना स्कूल है। अंग्रेजों के टाइम का पहले ये स्कूल प्राइवेट था। हाँ पहले ये स्कूल प्राइवेट था, गवर्नमेंट था। हाँ फिर इसको गवर्नमेंट किया गया, पहले प्राइवेट था पूरा स्कूल, हर बच्चों को अपनी फीस पे करनी होती थी, कोई वो नहीं मिलता था, खुद ही पे करनी होती थी, टीचर्स उसी जो अमाउंट आता था उसी से अपनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हाँ अब ये गवर्नमेंट का स्कूल है, यहाँ सब गवर्नमेंट का, टीचर्स सारे गवर्नमेंट है, जितने भी हमारे पापा के टाइम पे प्राइवेट था। तब प्राइवेट था, पापा को पढ़े हुए 45 साल से ऊपर हो गया, 50 साल मान ले, 45 साल मान ले मोटा मोटी। उससे पहले का है, उससे पहले कितने पढ़ के निकल गए होंगे, उससे पहले तो टीचर जहाँ पढ़ाते थे उसी स्कूल में पढ़ के निकले। बहुत पुराना स्कूल है ये। हाँ यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते भी हैं। हाँ सीएम उत्तराखंड के सीएम बहुत पहले उतरे भी हुए हैं, बहुत पहले। ये देखिए यहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं, यहाँ पे बहुत पहले उतरा भी हुआ है, इमरजेंसी में उतरते भी हैं। ये बहुत ऊपर भी है ना, कैंटीन वगैरह खुली होगी कोई, फिर अभी हम यहाँ पे तो कुछ खाते हैं, भूख सी लग गई है। आ जाओ जल्दी आओ, ये है एंट्री जालना कॉलेज, जालना है एंट्री कॉलेज, जालना हमारे दोस्त के जाते तो है ना, जालना अरे हाँ नीचे कुछ बन रहा है, कुबर भी है, ये तो दिख नहीं रहा कुबर कहाँ है, दिख तो रहा नहीं, वो तो आया वो, अरे दिख गया नीचे, यहाँ नहीं है ना दुकान कोई भी, कभी कहाँ दिख रहा है, अरे वाह यहाँ से हिमालय दिख रहा है, आप लोगों को दिखाने के लिए एंडिंग से लग गई, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, अभी आराम से। हाँ ये है हिमालय, हर जगह से दिखता है बट थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, हाँ यहाँ से तो पास है, वो बहुत ऊपर है अभी। तो ये बहुत पुरानी है, दुकानें घर पता नहीं बहुत पुराने पुराने हैं, नए कंस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं। आप लोग देखिए हिमालय है, हाँ बहुत घना जंगल है नीचे, बहुत ज़्यादा घना है भाई, देख रहे हो। इधर कौन जाए, मतलब वो वाला जंगल है ही नहीं है, गाय बकरियों के लिए जंगल ही नहीं है ये, तो मतलब इंसानों के लिए भी नहीं है, ये रास्ता नहीं है बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, तो दोस्तों हम लोग बस चाय पीते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि कंटिन्यू इतना चल रहे हैं, थोड़ी देर रुक के चाय पी के देखते चने वने कुछ हैं यहाँ पे तो देन हम लोग खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हिमालय कितना अच्छा लगता है ऐसे देखने में,
बस दोस्तों हम लोग चाय पीते, चाय बन के आ चुकी है, हमें जैसे दिख रहा है अभी पीते। अरे बाप रे, पहाड़ी कुत्ता, आप इस कुत्ते को देखिए कितना। ये मतलब हिमालयन डॉग है। अरे सिंह, ओ भाई साहब, सही में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन छोटा सा तो है ये। हाँ भाई, क्या नाम है? सिम्मी। सिम्मी, हाँ कैसा है सिम्मी? ऐसा हूँ भाई, मैं ले जाता हूँ मैं बस। की करना चाहे सिम्मी, पूंछ लाना चाहे? ये पूंछ तो नहीं ला रहा, मैं डर। इसको बिस्किट नहीं देना है भाई, इसको शुगर है लग रहा है। पैरों में हवा की हाँ। अरे अच्छा, इसको शुगर नहीं देनी है। और हम जहाँ बैठे हैं आप देख सकते हैं, चाय पी रहे हम लोग। ये चाय का भाई मेरी, वेयर इज माय चीज़। बैकग्राउंड आप देख सकते हो भाई, इतना अच्छा लग रहा है यार। ये लो, हम फिर से खा रहे हैं जोड़ी बिस्किट। ये फेवरेट पहाड़ में ये मैक्सिमम मिलता है, जोड़ी बिस्किट। हर समय हम चाय के साथ जोड़ी बिस्किट खाते हैं। चलो चाय पी लेते हैं आप थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग अब वापस हो गए हैं सोखिया दल स्कूल एंड सरस्वती माता जी का मंदिर होके, अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। अभी बीच में फिर से वृद्ध जागेश्वर आएगा, उसके बाद फिर हम लोगों को नीचे को ही जाना है घर की ओर। वृद्ध जागेश्वर पहुंच चुके हैं, अब हम अपने घर की ओर सुबह सुबह जैसे आए थे वैसे जाना है। तो ये है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं जागेश्वर धाम, इस वाले वे से लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 किलोमीटर है यहाँ से जागेश्वर धाम, नीचे वाला जो जागेश्वर धाम है। और हमें जाना है ऊपर, हमारा घर जो आएगा वो ऊपर से नीचे को आएगा। चलते रहो भाई। दोस्तों अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, खाते पीते हैं और बस कुछ आधे एक घंटे में हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं। कितना टाइम हो गया वैसे? डेढ़ बजे वाला है ना? हाँ 1:30 हम अप्रोक्सीमेटली घर पहुंच जाएंगे। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्या भैया ऊपर चले गया, ब्रा।